बट 5 वर्किंग डेज में ये ऑर्गेनाइज होगा, जैसा कि है 28 से 26 तक ये चलेगा, 20, 21, उसके बाद सैटरडे संडे का ऑफ रहेगा, फिर 24th जो मंडे है, 25 जो ट्यूसडे है और 26 जो वेडनेसडे है। ये 5 डेज में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। आज तो टाइम का जो शेड्यूल रहा, बट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम 10:30 तक यहाँ सभी पहुँच जाएंगे बाकी डेज में, है ना। 10:30 आप पहुंच जाएंगे तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी रहेगा कि क्लासेस के बाद आपको बहुत लेट ना करके जल्दी फ्री कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ फाउंडेशंस है। आप लेट आएंगे, लेट तक चलेगा, फिर आप ही को दिक्कत होगा, आप कहेंगे कि आपको बहुत लेट होगा, है ना। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि आप लोग कल से मैक्सिमम 10:30 इज लास्ट, उसके पहले आ जाएंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन 10:30 इज लास्ट। तो 5 दिन के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, इससे पहले कि मैं अपने स्पीकर्स को इनवाइट करूं, यहाँ आमंत्रित करूं, उसके पहले मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। डिजिटल मार्केटिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केटिंग आज के कंटेक्स्ट में कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैडम ने जैसे बताया कि मैडम इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट में कंसल्टेंसी करती हैं, अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, और आज के डेट में डिजिटल का योग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सरकार को भी अपनी स्कीम्स को आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मीन्स का यूज़ करना पड़ता है। हम लोग भी डिफरेंट सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए, कैंपेन्स के ज़रिए पब्लिक के बीच जाते हैं। डिफरेंट डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, वीडियो डिस्प्ले होता है, आप देखते ही होंगे बहुत सारी जगह डिस्प्ले, पब्लिक डिस्प्ले, गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स के वीडियो चलते रहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बहुत एक आज के ज़माने में जब देखते हैं हम 21st सेंचुरी में हैं, डिजिटल मीन्स ऑफ जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत सशक्त माध्यम है अपनी बात को, अपनी चीज़ों को या किसी भी चीज़ को पब्लिक के बीच में स्प्रेड करने के लिए। तो एज एन एंटरप्रेन्योर या एज एन प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मैंने चीज़ों को इसी हिसाब से डिज़ाइन किया है। आपको बता देता हूँ कि ये जो टाइम आप यहाँ डिवोट करें, टाइम ऑब्वियसली किसी के लिए भी बहुत सबसे कीमती चीज़ होता है, और जो सबसे कीमती चीज़ आप यहाँ डिवोट करेंगे 5 दिन, तो वो फ्रूटफुल हो। आप 5वें दिन ये गिल्ट ना फील करें कि हमने टाइम वेस्ट किया। इसी हिसाब से मैंने इन चीज़ों को रखा है, कोशिश की है। फिर भी अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लगता है कि मेरे एंड से कुछ शॉर्टकमिंग को छूट गया है तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं इसको एज सप्लीमेंट इसमें ऐड करूँगा। तो आज हम लोग इनॉग्रेशन के बाद डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर इंट्रोडक्शन और डिजिटल मार्केटिंग वर्क कैसे करता है इस पर साधना मैडम क्लास लेंगी आप लोगों का आफ्टर इनॉग्रेशन सेशन। उसके बाद आज का हम लोग कंक्लूड करेंगे। कल फिर इसके बाद मिस्टर आशीष कौशिक हैं, मैं डिटेल एक्चुअली उनका लाया नहीं, उनका एक एड मार्केटिंग का फर्म है अपना, डॉक्यूमेंट्री एंड एड फिल्म मेकिंग के वो एक्सपर्ट, और वो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताएंगे बहुत डिटेल में। उसके साथ कंटेंट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन पे आपको बताएंगे, और साथ में जो उनका स्पेशलाइजेशन है डॉक्यूमेंट्री एंड एड फिल्म मेकिंग। एड फिल्म मेकिंग इसलिए मेरे को लगता है कि बहुत, जैसे बहुत माइक्रो लेवल के अगर एंटरप्रेनर्स हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्री और एड फिल्म मेकिंग बेसिकली बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोगों को बताने का एम इसके पीछे ये है कि आजकल मोबाइल 50 मेगापिक्सल्स ऑलमोस्ट सभी के पास है, तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई वीडियो अपने प्रोडक्ट का अपने से भी शूट करेंगे तो हम उसके ज़रिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को इसमें शामिल किया। आई होप आई एम करेक्ट, है ना। इसके बाद 24th को मंडे को मिस्टर ओम कुमार झा हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के एक एक्सपर्ट हैं, वो आपको इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कोर कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये आपको बताएंगे, साथ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो क्या स्ट्रेटेजीज हैं वो बताएंगे, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे, और कीवर्ड रिसर्च और डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स जो गूगल सर्च में आप देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने डिपार्टमेंट की, हमारा एक वेबसाइट है उद्यम रजिस्ट्रेशन, लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन हम बोलते हैं आप करिए, बैंक भी कहता है कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करिए, लेकिन जैसे ही वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल पे उद्यम रजिस्ट्रेशन देखते हैं
तो शायद गवर्नमेंट साइट कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड या फोर्थ नंबर पे आती है, कुछ प्राइवेट कंसल्टेंसी साइट्स ऊपर सर्च इंजन में ऊपर दिखाने लगती है और वो कुछ चार्ज करती है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से उद्यम रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली फ्री, जीरो कॉस्ट, जीरो। हाँ, तो ये चूंकि गलत है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक को, इसलिए उस दिन मिस्टर ओम कुमार झा कवर करेंगे। ये 24th कवर। 25th को एक मिस्टर राम इकबाल है, उनका शॉर्ट नेम सिंटू कुमार है, वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। 25th को वो आएंगे और मोबाइल कैमरा का आप कैसे, अपने मोबाइल सभी के पॉकेट में है और स्मार्टफोन सभी के पास है, आप उसका कैसे मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह वगैरह, वो आपको उस दिन रील्स मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्ट को कैसे किस उस पे शूट करना है, क्या पिच रखना है, मींस ही इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो वो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में 25th को ये सारी चीजें सिखाएंगे। बेसिक इक्विपमेंट्स वो कुछ अपने साथ उस दिन लाएंगे और वो आपको यहाँ उसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं। ये 25th का शेड्यूल है। 26th को फिर हम लोग रिचा रहेंगी, वो आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में बताएंगी। जैसे किसी भी बिजनेस में, प्रोडक्ट में टारगेट ऑडियंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो टारगेट ऑडियंस के बारे में वो आपको बताएंगी, पेड एडवर्टीजमेंट्स के बारे में बताएंगी और पेड एडवर्टीजमेंट्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताएंगी। उसके बाद एक और वीलॉगर है विदुषी, वो भी 26th को एक सेशन लेंगी आप लोगों का, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी प्रमोट कर रही हैं, कल मेरा उनसे बात हुआ था, तो वो आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट को कैसे प्रोफेशनल वे में थ्रू वीडियो, थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट इसको मार्केट करना है। तो आप देखेंगे इस कोर्स कंटेंट में मेरा क्लासरूम और वो जो लर्निंग से ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया के ऊपर है, क्योंकि आज के डेट में वो एक इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसलिए मैंने उन चीज़ों को इसमें ज़्यादा रखा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। 5 दिन आप समय देंगे और 5 दिन आपका समय, आप इसे कुछ सीखेंगे और भविष्य में आप उसका यूज़ करके अपने आप को प्रॉस्पर करेंगे।